मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और जैसा आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस में भी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपका असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कवर कर दिया था। और आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं और ये मेरा मानना है कि आप बेसिक से चलेंगे तो इंग्लिश आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, राइट। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की, और इंपरेटिव सेंटेंस को भी हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या फिर आदेशात्मक बात, ठीक है। आप समझो इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं या फिर आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज्ञा सूचक का मतलब है जिसमें आज्ञा माननी होती है या फिर आज्ञा देनी होती है। आदेशात्मक का मतलब है आदेश देना होता है। इसके साथ साथ हमारा एक इसमें और भी होता है, इसमें हम प्रार्थना भी करते हैं, यानी रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले वाक्य में क्या होता है, प्रार्थना की गई हो, ठीक, आज्ञा या आदेश दिया गया हो, ठीक है, आज्ञा या आदेश दिया गया हो, ठीक है। तो ये हमारे किसमें आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। बिल्कुल सही, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। कि इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। आप समझिए, हम आज्ञा देते हैं खड़े हो जाओ, मींस किससे कहा है, आप लोगों से कहा है, तो वो हमारा क्या है, आदेश दिया गया है। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। यहां आइए, कम हियर, तो ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले कि प्रार्थना करना, आज्ञा देना, आदेश देना, सुझाव देना, सलाह देना या सलाह लेना, ये सब किसमें आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। मैंने एक चीज आपको ये बताई कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात यह है कि इनको हम पहचानते हैं वर्ब से। क्यों? क्योंकि वर्ब से ही ये वाक्य प्रारंभ होते हैं। अगर हम हिंदी की बात कर लें, ठीक है, यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में तो ये क्या होता है इसमें, कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या चीज, सब्जेक्ट यानी कर्ता, मतलब किसी भी कार्य को करने वाला ही नहीं होता है, ठीक। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें, यानी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमेशा ही बी वन से प्रारंभ होते हैं, बी वन से प्रारंभ होते हैं, राइट। तो वो हमारे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम बात करते हैं आपसे, कहें कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, राइट, तो खड़े हो जाओ सब्जेक्ट नहीं है इसमें, किसके लिए कहा गया है, डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या, खड़े होने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टैंड, स्टैंड अप, ठीक, अंग्रेजी में क्या है, स्टैंड है, और स्टैंड हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अपना काम करो, अपना काम करो, ये हमारा दूसरा वाक्य है, तो इसमें भी अपना काम करो किससे कहा जा रहा है, डेफिनेट नहीं है, यानी कोई भी प्रॉपर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम पहचान लेते हैं कि हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि अपना काम करो, करने के लिए हम डू लगाते हैं, और अपने के लिए योर वर्क, डू योर वर्क,
तो ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, कि खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, मान लेते हैं हमने यहां पे लिखा खिड़की बंद करो, ठीक है। तो बंद करने के लिए हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसमें शुरुआत करनी है वर्ब से, और वर्ब इसमें क्या है, बंद करना, तो शट द विंडो या फिर क्लोज द विंडो, ध्यान रखिएगा क्लोज होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा ही इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम आपसे आपको एक क्वेश्चन है, जैसे ये तो हमारा हो गया, अगर हम बात करें कि कृपया मुझे एक किताब दें, तो कृपया मुझे एक किताब दें, ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन किससे की जा रही है, डेफिनेट नहीं है, तो हमारा क्या है, कृपया मुझे एक किताब दें, तो कृपया के लिए हम यूज करते हैं प्लीज का, आपको पता ही है प्लीज, अब हमें लेना है वर्ब देना, देने के लिए हम लगाते हैं गिव, तो प्लीज गिव मी के लिए, सॉरी मुझे के लिए मी, प्लीज गिव मी अ बुक, तो आप समझे जहां प्लीज या काइंडली का वर्ड, काइंडली वर्ड का यूज होता है, तो वो भी हमारा किसमें होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इंपरेटिव अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, अब हम बात करते हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट, और इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। देखिए ये हमारे जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमको देखने में थोड़ा टफ लगते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हृदय में एक साथ उत्पन्न होने वाली खुशी, शोक या फिर दुख होता है या फिर आश्चर्य, इसको हम अचंभा भी बोलते हैं। फिर से एक बार, कि हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाली अचानक से खुशी या प्रसन्नता, शोक या फिर दुख, आश्चर्य या अचंभा प्रतीत होता है, तो वहां हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें अवश्य लगा होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी साइन हमारा अवश्य लगा होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि तुम कितने मूर्ख हो, हम आपसे कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, ठीक। तो इसको मैंने मुझे कैसे बनाना है कि हाउ फुलिश यू आर, तो हमारा ये हो गया, ठीक है, कितने मूर्ख हो, ठीक है। ये क्या है हमारा, अचंभा हो रहा है, राइट। इसके बाद हम कहें कि कोई सेंटेंस हम लेते हैं अलास, आई एम रियूम, मैं बर्बाद हो गया, अलास मैं बर्बाद, अलास ठीक है, मैं बर्बाद हो गया, तो यहां पर जो है साइन भी हमारा ये लग रहा है, और यहां पर क्या है, दुख की बात है, क्योंकि अलास का यूज हम वहां करते हैं जहां दुख होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी कौन सा है हमारा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उम्मीद के अनुसार आपको यह भी अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम बात करते हैं इसके अगले सेंटेंस की और लास्ट की, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम अगर हिंदी की बात करें तो हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसको हम बोलेंगे इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, और इच्छा सूचक वाक्य कैसे होते हैं, कि हमने इच्छा की कि आप पास हो जाओ,
और हमने इच्छा की भगवान आपको बहुत सारा धन दे, आपको बहुत सारी खुशियां दे, तो इसमें इच्छा प्रकट की जाती है। या फिर किसी को श्राप दिया जाता है तो वो हमारे क्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जिन वाक्यों में मन की इच्छा, अभिलाषा, कामना या श्राप का बोध होता है तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं ऑप्टेटिव। मतलब फिर से आप समझिए, मन की इच्छा या फिर अभिलाषा, ठीक है, मन की इच्छा या फिर अभिलाषा होती है, हम कह सकते हैं भगवान से प्रार्थना होती है, हम कह सकते हैं कि किसी को श्राप दिया जाता है, तो ये हमारे सबकाय के अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, और इसमें भी एक हमें ध्यान रखना है कि इसमें भी हमारे क्या लगा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो हम ले सकते हैं यहां पर कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग हो जाएगा हमारा। और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट सेंटेंस की तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग इसमें भी इच्छा प्रकट हो रही है, इसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो या फिर मैं आपसे कहूं कि मे यू डाई, आप मर जाओ, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए समझिए, मैंने आपको बताया कि इच्छा, अभिलाषा या फिर श्राप दिया जाता है हिंदी में बात करें हम तो, और अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसमें कॉमन वर्ड आपको दिख रहा है मे, तो आप ऐसा मान भी चलिए कि 90% जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो मे से प्रारंभ होते हैं, 10% कुछ इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो मे से प्रारंभ नहीं होते हैं। तो और दूसरी चीज क्या है इसमें कॉमन है कि इसमें हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, तो इसलिए भी ये हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारे ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है, और आशा करता हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।